मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज भारत में आपका स्वागत है। ईएमएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईएमएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर संघ अमर है, अमर है। भारतीय मजदूर संघ अमर है, अमर है। भारतीय मजदूर संघ अमर है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आरपी सिंह, विभाग प्रमुख, भारतीय मजदूर संघ बरेली क्षेत्र। आज पूरे संपूर्ण भारत में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को लेकर के भारत सरकार की जो नीति है उसका विरोध करने के लिए हम लोगों ने यहाँ एक ज्ञापन दिया। भारत सरकार ने जितने भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में देने का मन बना लिया है और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप देते जा रहे हैं। चाहे कोल हो, विद्युत हो, रेलवे हो, और इस तरह चाहे पेट्रोलियम से संबंधित जितने भी विभाग, भारत पेट्रोलियम है या इंडियन ऑयल है, इस तरह के जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर के हैं, बीमा क्षेत्र को भी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में देने का मन बना लिया। उसी को लेकर के आज संपूर्ण भारतवर्ष में एक आंदोलन के रूप में ये सांकेतिक हमारा धरना प्रदर्शन करके माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया जा रहा है। मैं राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल, भारतीय मजदूर संघ प्रदेश कार्य समिति सदस्य और उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष। आज भारतीय मजदूर संघ का संपूर्ण प्रदेश में जनपद स्तर पर आज हम लोगों का एक कार्यक्रम है। हम लोग जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से अपने माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें तमाम सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले उद्योगों का निजीकरण जो सरकार कर रही है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और भारतीय मजदूर संघ क्योंकि भारत का प्रथम स्थान का संगठन है, इस कारण से हमारा नैतिक दायित्व तो बनता है कि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, उन सबको इस बारे में विचार करना चाहिए। ये मजदूर के हित में नहीं हो रहा है, ये मजदूर के अहित में हो रहा है। तो इसलिए भारतीय मजदूर संघ इसका कड़ी निंदा करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में चाहे वो विद्युत हो, कोयला हो, अन्य खनिज पदार्थों के उद्योग हों, पेट्रोलियम हो, सभी का ये सरकार निजीकरण करने जा रही है, इसका हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। एक बात, दूसरा विषय ये है कि आज बरेली स्तर पर हम लोग लगातार सिंथेटिक एंड केमिकल्स के कर्मचारियों का विगत लंबे समय से आंदोलन चलाते चले आ रहे हैं। सिंथेटिक एंड केमिकल्स में अभी सरकार की तरफ से इस तरह की एक व्यवस्था दी गई है जिसमें हमारे तमाम जो कर्मचारी यहाँ पर रह गए हैं बचे हुए, उनको भुगतान करने की बात सरकार ने कही है और उसका सारा कुछ ब्यौरा हम लोगों ने अपने यहाँ स्थानीय प्रशासन को दे दिया है। अभी लगातार डीएम स्तर पर, एडीएम एफआर के स्तर पर लगातार वार्ताएं चल रही हैं और कल 27 तारीख पहले से नियत थी कि कमिश्नर साहब इस संबंध में वार्ता लेंगे, शासन प्रशासन के साथ हमारे कर्मचारी संगठनों से वार्ता चलेगी, परंतु एकाएक क्या हुआ कि कल उन्होंने वार्ता हमारी स्थगित कर दी और अभी तक ये घोषित नहीं किया कि वो वार्ता कब चलेगी, कब होगी। इसके कारण से हमारे तमाम सिंथेटिक एंड केमिकल्स में 1421 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका भुगतान होना है और वो सारे के सारे इस आस में लगे हुए हैं कि किसी तरह से सरकार पलटे तो हम लोगों को इसका भुगतान प्राप्त हो। मेरा आज की तारीख में इस बात का कड़ा विरोध मैं प्रकट करता हूँ भारतीय मजदूर संघ की तरफ से कि सिंथेटिक एंड केमिकल्स के तमाम कर्मचारियों का भुगतान अविलंब कराने के लिए स्थानीय प्रशासन अपनी व्यवस्था दे, सरकार पर दबाव बनाए और ताकि हमारे कर्मचारियों की को उनका भुगतान प्राप्त हो सकते, क्योंकि अब सीधे सीधे चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है और फिर ये लगातार हमारा 5-6 महीने के लिए पूरा ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इसलिए मैं भारतीय मजदूर संघ की ओर से इसका कड़ा विरोध करता हूँ, शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ इसको अपने संज्ञान में आवश्यक रूप से लें। धन्यवाद।